सीआईटी एन सीई आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा सात की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनि पाठ अध्याय तेरह घातांक और घात पृष्ठ दो सौ सतहत्तर तेरह दशमलव पांच दशमलव संख्या पद्धति आइए चार सात पांच छ एक के निम्नलिखित प्रसार को देखें जिससे हम पहले से ही परिचित हैं चार सात पाँच छ एक बराबर चार गुणा दस हजार जमा सात गुणा एक हजार जमा पांच गुणा सौ जमा छह गुणा दस जमा एक हम इसे दस की घातों का प्रयोग करते हुए घातांकीय रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं चार सात पांच छ एक बराबर चार गुणा दस के ऊपर घात चार जमा सात गुणा दस के ऊपर घात तीन जमा पांच गुणा दस के ऊपर घात दो जमा छह गुणा दस के ऊपर घात एक जमा एक गुणा दस के ऊपर घात शून्य ध्यान दीजिए दस हजार बराबर दस के ऊपर घात चार एक हजार बराबर दस के ऊपर घात तीन सौ बराबर दस के ऊपर घात दो दस बराबर दस के ऊपर घात एक और एक बराबर दस के ऊपर घात शून्य है आइए एक और संख्या को प्रसारित रूप में लिखें एक शून्य चार दो सात आठ बराबर एक गुणा एक लाख जमा शून्य गुणा दस हज़ार जमा चार गुणा एक हज़ार जमा दो गुणा सौ जमा सात गुणा दस जमा आठ गुणा एक बराबर एक गुणा दस के ऊपर घात पाँच जमा शून्य गुणा दस के ऊपर घात चार जमा चार गुणा दस के ऊपर घात तीन जमा दो गुणा दस के ऊपर घात दो जमा सात गुणा दस के ऊपर घात एक जमा आठ गुणा दस के ऊपर घात शून्य बराबर एक गुणा दस के ऊपर घात पाँच जमा शून्य गुणा दस के ऊपर घात तीन जमा दो गुणा दस के ऊपर घात दो जमा सात गुणा दस के ऊपर घात एक जमा आठ गुणा दस के ऊपर घात शून्य ध्यान दीजिए कि किस प्रकार दस के घातांक अधिकतम मान पांच से प्रारंभ होते हुए एक एक करके घटते हुए शून्य तक आ जाते हैं प्रयास कीजिए दस की घातों का प्रयोग करते हुए घातांकीय रूप में प्रसारित कीजिए एक एक सात दो दो पांच छह चार तीन तीन पांच छ चार तीन नौ चार एक सात छ चार दो आठ तेरह दशमलव छ बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना आइए इस अध्याय की प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाएं। हमने कहा था कि बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके सुविधाजनक so, रूप से व्यक्त किया जा सकता है इसे अभी तक हमने दिखाया नहीं है अब हम ऐसा करेंगे एक सूर्य हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से तीन शून्य 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 मीटर की दूरी पर स्थित है दो हमारी आकाश गंगा में एक शून्य 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 दारे हैं तीन पृथ्वी का द्रव्यमान पाँच नौ सात शून्य, शून्य 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 किलोग्राम है ये संख्याएं पढ़ने और लिखने की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं हैं इनको सुविधाजनक बनाने के लिए हम घातों या घातांकों का प्रयोग करते हैं निम्नलिखित को देखिए उनसठ बराबर पांच दशमलव नौ गुना दस बराबर पांच दशमलव नौ गुना दस के ऊपर घात एक पांच सौ नब्बे बराबर पांच दशमलव नौ गुना सौ बराबर पांच दशमलव नौ गुना दस के ऊपर घात दो पांच हजार नौ सौ बराबर पांच दशमलव नौ गुना एक हजार बराबर पांच दशमलव नौ गुना दस के ऊपर घात तीन उनसठ हजार बराबर पांच दशमलव नौ गुना दस हजार बराबर पांच दशमलव नौ गुना दस के ऊपर घात चार इत्यादि हमने इन सभी संख्याओं को मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त कर दिया है किसी भी संख्या को एक दशमलव शून्य और दस दशमलव शून्य के बीच की एक दशमलव संख्या यानी जिसमें एक दशमलव शून्य सम्मिलित है और दस की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है संख्या के इस रूप को उस खा मानक रूप कहते हैं इस प्रकार पांच नौ आठ पांच बराबर पांच दशमलव नौ आठ पांच गुणा एक हजार बराबर पांच दशमलव नौ आठ पांच गुणा दस के ऊपर घात तीन संख्या पाँच नौ आठ पांच का मानक रूप है पृष्ठ दो सौ अठहत्तर ध्यान दीजिए कि पाँच नौ आठ पांच को उनसठ दशमलव आठ पांच गुणा सौ या उनसठ दशमलव आठ पांच गुणा दस के ऊपर घात दो के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है परंतु यह पांच नौ आठ पांच का मानक रूप नहीं है इसी प्रकार पांच नौ आठ पांच बराबर शून्य दशमलव पांच नौ आठ पांच गुणा दस हजार बराबर शून्य दशमलव पांच नौ आठ पांच गुणा दस के ऊपर घात चार भी पांच हजार नौ सौ पिचासी यानी पांच नौ आठ पांच का मानक रूप नहीं है अब हम इस अध्याय के प्रारंभ में आई हुई संख्याओं को इस मानक रूप में व्यक्त करने में सक्षम हो गए हैं हमारी आकाश गंगा केंद्र से सूर्य की दूरी शून्य 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 मीटर को तीन दशमलव शून्य गुणा एक शून्य 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 मीटर बराबर तीन दशमलव शून्य गुणा दस के ऊपर घात बीस मीटर के रूप में लिखा जा सकता है अब क्या आप चार शून्य 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 को इसी रूप में व्यक्त कर सकते हैं इसमें शून्यों की संख्या को गिनिए यह दस है अतः है चार शून्य 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 बराबर चार दशमलव शून्य गुणा दस के ऊपर घात दस है पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर पांच नौ सात छून्य शून्य 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 किलोग्राम बराबर पांच दशमलव नौ सात गुणा दस के ऊपर घात चौबीस किलोग्राम है क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पढ़ने समझने और तुलना करने की दृष्टि से मानक रूप में लिखी यह संख्या उस पच्चीस अंकों की संख्या की अपेक्षा बहुत अधिक सरल या सुविधाजनक है अब यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान बराबर आठ छ आठ शून्य 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 किलोग्राम बराबर आठ दशमलव छ आठ गुणा दस के ऊपर घात पच्चीस किलोग्राम है अब उपरोक्त दोनों व्यंजकों में केवल दस की घातों की तुलना करके ही आप यह कह सकते हैं कि यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक है सूर्य और शनि के बीच की दूरी एक चार तीन तीन पांच शून्य 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 मीटर या एक दशमलव चार तीन तीन पांच गुणा दस के ऊपर घात बारह मीटर है शनि और यूरेनस के बीच की दूरी एक चार तीन नौ शून्य 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 मीटर या एक दशमलव चार तीन नौ गुना दस के ऊपर घात बारह मीटर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक चार नौ छून्य शून्य 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 मीटर या एक दशमलव चार नौ छ गुणा दस के ऊपर घात ग्यारह मीठर है क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों दूरियों में कौन सी दूरी न्यूनतम है उदाहरण तेरह निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए एक पांच नौ आठ पांच दशमलव तीन दो छ पांच नौ पांच शून्य तीन तीन चार तीन शून्य 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 चार सात शून्य शून्य चार शून्य 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 हल एक पाँच नौ आठ पाँच दशमलव तीन बराबर पांच नौ आठ पांच तीन गुणा एक हजार बराबर पांच नौ आठ पांच तीन गुणा दस के ऊपर घात तीन दो छः पांच नौ पाँच शून्य बराबर छः दशमलव पाँच नौ पाँच, पाँच, पाँच गुणा दस हजार बराबर छह दशमलव पांच नौ पांच गुणा दस के ऊपर घात चार तीन तीन चार तीन शून्य 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 बराबर तीन दशमलव चार तीन गुणा एक मिलियन बराबर तीन दशमलव चार तीन गुणा दस के ऊपर घात छ चार सात शून्य शून्य चार शून्य 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 बराबर सात दशमलव शून्य शून्य चार गुणा दस हजार मिलियन बराबर सात दशमलव शून्य शून्य चार गुणा दस के ऊपर घात दस पृष्ठ दो सौ उनासी यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि दशमलव बिंदु से बाई ओर के यानी अंकों की संख्या गिनकर उसमें से एक घटाकर जो प्राप्त होता है वही दस का घातांक होता है जिसे मानक रूप में प्रयोग किया जाता है हम इस बिंदु की कल्पना संख्या के दाए सिरे पर कर लेते हैं यहां से बाई और अंकों की संख्या ग्यारह है इसलिए मानक रूप में व्यक्त करने के लिए दस का घातांक ग्यारह घटा एक बराबर दस है इसलिए इसके मानक रूप में दस का घातांक चार घटा एक बराबर तीन है प्रश्नावली तेरह दशमलव तीन एक निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए दो सात नौ चार शून्य चार तीन शून्य शून्य छ एक नौ चार दो आठ शून्य छ एक नौ छ एक दो शून्य सात एक नौ दो शून्य शून्य छ आठ दो निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए ए आठ गुणा दस के ऊपर घात चार जमा छह गुणा दस के ऊपर घात तीन जमा शून्य गुणा दस के ऊपर घात दो जमा चार गुणा दस के ऊपर घात एक जमा पांच गुणा दस के ऊपर घात शून्य बी चार गुणा दस के ऊपर घात पांच जमा पांच गुणा दस के ऊपर घात तीन जमा तीन गुणा दस के ऊपर घात दो जमा दो गुणा दस के ऊपर घात शून्य सी तीन गुणा दस के ऊपर घात चार जमा सात गुणा दस के ऊपर घात दो जमा पांच गुणा दस के ऊपर घात शून्य डी नौ गुणा दस के ऊपर घात पांच जमा दो गुणा दस के ऊपर घात दो जमा तीन गुणा दस के ऊपर घात एक तीन निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए एक पांच शून्य 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 दो सात शून्य 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 तीन तीन एक आठ छ पाँच शून्य 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 चार तीन नौ शून्य आठ सात आठ पाँच तीन नौ शून्य आठ सात दशमलव आठ छ तीन नौ शून्य आठ दशमलव सात आठ चार निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली यानी आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए ए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी तीन आठ चार शून्य 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 मीटर है बी निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग तीन शून्य 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 मीटर प्रति सेकंड है सी पृथ्वी का व्यास एक दो सात पांच छह शून्य 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 मीटर है डी सूर्य का व्यास एक, एक चार शून्य 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 मीटर है ई एक आकाश गंगा में औसतन एक शून्य 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 तारे हैं एफ विश्वमंडल या सौर मंडल बारह शून्य 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 वर्ष पुराना आकलित किया गया है जी आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी तीन शून्य 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 मीटर आकलित की गई है H, एक दशमलव आठ जी भार वाली पानी की एक बूंद में छह शून्य दो तीन शून्य 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 शु शून्य 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 अणु यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं आई पृथ्वी में एक तीन पांच, तीन शून्य 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 घन किलोमीटर समुद्र जल है जे मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या एक शून्य दो सात शून्य 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 थी पृष्ठ दो सौ अस्सी हमने क्या चर्चा की एक बहुत बड़ी संख्याएं पढ़ने समझने तुलना करने और उन पर संक्रियाएं करने की दृष्टि से कठिन होती हैं इनको सरल बनाने के लिए हम इन अधिकांश बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिखते हैं दो कुछ संख्याओं के घातांकीय रूप निम्नलिखित हैं दस हजार बराबर दस के ऊपर घात चार इसे दस के ऊपर घात चार पढ़ा जाता है दो सौ तैतालीस बराबर तीन के ऊपर घात पांच, एक सौ अट्ठाईस बराबर दो के ऊपर घात सात यहाँ दस तीन और दो आधार हैं तथा चार पांच और सात क्रमशः इनके घातांक हैं हम यह भी कहते हैं कि दस की चौथी घात दस हजार है तीन की पांचवी घात दो सौ तैतालीस है इत्यादि तीन घातांकीय रूप में संख्याएं कुछ नियमों का पालन करती हैं जो इस प्रकार हैं किन्ही शून्येतर पूर्णांकों ए और बी तथा पूर्ण संख्याओं एम और एन के लिए ए ए के ऊपर घात एम गुणा ए के ऊपर घात एन बराबर ए के ऊपर घात एम जमा एन बी ए के ऊपर घात एम भाग ए के ऊपर घात एन बराबर ए के ऊपर घात एम घटा एन एम एन से बड़ा है सी ए के ऊपर घात एम के ऊपर घात एन बराबर ए के ऊपर घात एम एन डी ए के ऊपर घात एम गुणा बी के ऊपर घात एम बराबर ए बी के ऊपर घात एम ई e, ए के ऊपर घात एम भाग बी के ऊपर घात एम बराबर ए बटा बी के ऊपर घात एम एफ ए के ऊपर घात शून्य बराबर एक जी माइनस एक के ऊपर घात सम संख्या बराबर एक माइनस एक के ऊपर घात विषम संख्या बराबर माइनस एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा सात की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन स्वर गौरव मारवा तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आई टी एन नई दिल्ली भारत